हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजन ने मिस लुओ से एडवाइस मांगी थी अबाउट होमोफोबिक एंड मिस लुओ ने अपना एडवाइस बता भी दिया था। मिस लुओ ने कहा था कि होमोफोबिक इंसान को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करे। लंजन ने इस बात को सीरियसली ले लिया था। लंजन ने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे वीडियोज़ देखी। नेक्स्ट डे लंजा जब किचन में था वो वीडियोस देख रहा था एंड कॉफ़ी बना रहा था, तभी वहाँ पे विंग आया। विंग ने कहा मॉर्निंग। लंजा बिल्कुल चौंक गया, उसने कहा मॉर्निंग। विंग ने कहा लंजा तुमने कॉफ़ी बनाया, थैंक्स लंजा। विंग ने अपने मग में कॉफ़ी ले लिया। लंजा ने विंग को ध्यान से देखा। विंग ने जो कपड़े पहना था वो लूज था एंड विंग का बॉडी विजिबल हो रहा था, उसके मसल्स, उसके स्टमक, सब कुछ। लंजा मन ही मन में कह रहा था ऑफकोर्स विंग का बॉयफ्रेंड है, वो इतना अट्रैक्टिव है, वो शायद बहुत पॉपुलर होगा। विंग ने लंजा से पूछा लंजा क्या तुम अभी उठे हो, तुम्हारे लिए तो लेट होगा ना। लंजा ने कहा मैं रात को ठीक से सोया नहीं था। विंग ने कहा हाँ स्ट्रेंज, तुम तो जल्दी सो जाते हो, क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। ये बोल के विंग कॉफ़ी पीने लगा एंड जब वो कॉफ़ी पी रहा था लंजा विंग के लिप्स को देख रहा था। देन उसने पूछा वेन चावलिंग कहाँ पर है। विंग ने कहा अभी भी सो रहा है, वो किड भी ना, एक्चुअली मैंने उसे रात भर जगा कर रखा था इसलिए ही वो। तभी लंजा ने कहा बात करना बंद करो। ये सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया। लंजा अपने आप से कहने लगा ये उसने क्या कह दिया, ये तो कहना नहीं चाहिए था, वो ऐसा नहीं कहना चाहता था। विंग ने कहा लंजा सीरियसली तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। लंजा ने मन ही मन में कहा नहीं, बट लंजा ने विंग को कहा मैं तुम्हारी इंटीमेट डिटेल्स के बारे में जानना नहीं चाहता। ये सुन के विंग का फेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लंजा ने मन ही मन में कहा अब ये इसने क्या कह दिया। दिन उसने विंग को कहा एक्चुअली मुझे स्टडी पे फोकस करना है। विंग ने कहा बट अभी वैकेशन चल रहा है, तुम्हें अपने आप को ब्रेक देना चाहिए। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग लंजा के क्लोज आ गया एंड लंजा को ध्यान से देखने लगा। विंग के ऐसे क्लोज आने से लंजा को विंग के बॉडी वॉश के स्मेल भी आ रहा था। विंग ने लंजा को ध्यान से देखा और कहा ऑल राइट, शायद तुम्हें मेडिटेट करना चाहिए या कुछ और, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम एक ह्यूमन हो हैंग वांग जुन, अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एंड इरेपल का क्या होगा। लंजा मन ही मन में सोच रहा था वो विंग एंड इरेपल एक छोटा सा फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, बट अब वो नहीं रहा। उसने विंग को सिर्फ नोट किया। विंग ने एक डीप शाई किया और कहा लंजा लंजा तुम मुझे ऐसे वॉरिड नहीं कर सकते। दिन उसने लंजा के शोल्डर्स को पकड़ लिया और कहा यू नो मुझे एक मीट के लिए लगा कि तुम वही पुराना लंजा बन गए हो। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा उस लंजा को टीस करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, तुम सच में बहुत ही ग्रंपी हुआ करते थे इसलिए मुझे तुम्हें टीस करने का और भी ज़्यादा मन करता था। जो भी हो अपनी तरफ देखो लंजा, तुम सच में टायर्ड हो एंड तुम्हारे फॉरहेड रिबन भी क्रूक हो गया है, रुको मुझे ठीक करने दो। इससे पहले विंग उसे टच करता लंजा ने विंग के हाथों को स्लैप करके हटा दिया। ये देख के विंग का फेस बिल्कुल डार्क हो गया। उसने गुस्से में कहा फाइन, आई थिंक मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए जो तुम चाहते हो, अपना पूरा दिन अकेला ही एंजॉय करो लंजा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया एंड लंजा विंग को जाते हुए देखा। उसे फील हुआ शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सच में खो देगा। अब लंजा जिम में था, वर्कआउट कर रहा था एंड विंग के बारे में सोच रहा था। उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि घर पे वेंडिंग है जो लंजा को बिल्कुल पसंद नहीं। लंजा को लग रहा था कि वो एक बहुत ही वर्स्ट फ्रेंड है, उसका दोस्त कोई भी नहीं बनना चाहता। वर्कआउट करने के बाद जब उसने अपने फ़ोन चेक किया उसने देखा कि वहाँ पे विंग का मैसेज है। विंग ने लिखा है डिनर करोगे, वेंडिंग चला गया है तो अब हम सिर्फ दोनों हैं एंड हाँ डिनर मैं बनाऊँगा ठीक है। ये लिख के विंग ने बहुत सारे इमोजीज भेजा है। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, उसे लगा शायद विंग ने उसे माफ़ कर दिया है। लंजा ने रिप्लाई किया तुम्हारा जो मन करे वही बनाओ।
कुछ टाइम बाद लंजा घर वापस आ गया। जब वो घर पे वापस आया उसने देखा कि घर के आसपास बहुत सारे ब्लैक स्मोक है। विंग दौड़ के आया, उसने कफ करते हुए कहा, लंजा तुम वापस आ गए इतनी जल्दी? लंजा ने देखा कि किचन में सारा खाना जल गया है। विंग ने कहा, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं कुकिंग करूँगी थोड़ा चेंज के लिए, बट देन मैं खाना गैस पे रख के मैं प्रोजेक्ट करने के लिए चला गया एंड सारा खाना जल गया। एक घंटे बाद लंजा ने सारा कुकिंग किया एंड उसने टेबल पे सर्व किया। विंग ने कहा, थैंक यू लड़ा गग्गा। लंजा ने कहा, खा लो। वो लोग साइलेंटली डिनर कर रहे थे। देन विंग ने कहा, सॉरी लंजा, फ्रॉम नाउ ऑन मैं कभी भी खाना नहीं बनाऊंगा, तुम ही बनाओगे। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने कहा, तुम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? विंग ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। देन विंग ने कहा, एनीवे तुम सच में कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ग्रम्पी हो गए थे, तुम्हें पता भी है? तुमने तो वेंडिंग को भी डरा दिया। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरा बिहेवियर। तभी विंग ने कहा, इट्स फाइन, क्या तुम अभी ठीक हो? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, गुड। वैसे तुम्हें क्या हुआ था? मैंने तुम्हें ऐसा ग्रम्पी बहुत टाइम से नहीं देखा है। क्या तुम इसलिए गुस्सा थे कि मैंने तुम्हें फॉरन रिवन को टच किया? वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है लंजा। रिप्लाई करने के बजाय लंजा ने पूछा, जब तुम वीकेंड्स में बाहर जाते हो क्या तुम वेंचाओलिंग से मिलने के लिए जाते हो? विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, हाँ नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी जाता हूँ। लंजा मनी मन में सोचने लगा, इसका मतलब उसने जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ सही है। लंजा ने विंग से पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? विंग ने कहा, ओ एक्चुअली मैं एक डेंजर में था, तब वेंडिंग ने मुझे हेल्प किया था। लंजा ने कहा, वेन, क्या वो? विंग ने कहा, हाँ वो वेन सेक्ट से है, क्या तुम कॉर्नेटो खाओगे? मैं लेके आता हूँ। देन विंग लंजा के लिए एक कॉर्नेटो लेकर आया। लंजा आइसक्रीम खाते खाते सोच रहा था, वेन सेक्ट जो एक समय बहुत ही पावरफुल एंड रिच हुआ करता था, बट एक दिन उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन लीक हुआ कि वो लोग गोल्डन कोर को मेल्ट कर सकते हैं एंड वो लोग इसे एक वेपन बनाएंगे एंड दुनिया पे राज करेंगे। उसके बाद से वेंसेक बर्बाद हो गया, वेंचाओ ने तो सुसाइड ही कर लिया। एंड कोइंसिडेंटली ये सब तब हुआ जब विंग डिसअपीयर्ड था। लंजा ये सब सोच ही रहा था तब विंग ने कहा, लंजा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बट वेंडिंग उन लोगों की तरह नहीं है। हाँ वो वेन फैमिली से है बट वो उनसे अलग है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लंजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, क्योंकि ये बोल के विंग रुक गया। देन उसने कहा, मुझे जस्ट पता है। एनीवेज तुम्हारा ट्रिप कैसा था? तुमने बताया नहीं एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? लंजा को समझ में आ गया कि विंग ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। उसने कहा, मेरा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। विंग ने कहा, दैट्स ग्रेट। लंजा ने कहा, एंड मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ। विंग ने पूछा, कैसा रिसर्च? लंजा ने विंग से कहा कि वो कुछ रिसर्च कर रहा है। विंग ने पूछा, कैसा रिसर्च? लंजा ने कहा, मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ क्या हमारे क्लैन में किसी ने भी सेम जेंडर मैरिज किया है। विंग ने कहा, ओके एंड तुम्हें क्या पता चला? देन लंजा ने अपने रिसर्च के बारे में सब कुछ बताया एंड विंग ध्यान से लंजा को सुन रहा था जैसे कि ये उसके लिए एक म्यूज़िक हो। विंग ने कहा, वेल लंजा तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसे मैरिज तुम्हारे रूल्स को वायलेट करता है? लंजा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। विंग ने कहा, एंड उनका जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होता उसका क्या, क्या ये बैड नहीं है? लंजा ने कहा, नहीं बहुत सारे कपल्स को बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होता है, वो लोग एडॉप्ट करते हैं। विंग ने कहा, हाँ ये एक अच्छी बात है। लंजा को लगा शायद विंग उसके रूल्स को गलत समझ रहा है तो उसने रूल्स को दोहराना स्टार्ट कर दिया। तो विंग ने कहा, ऑल राइट इनफ रूल्स, मुझे समझ में आ गया। देन विंग ने अपना आइसक्रीम लंजा को ऑफर किया और कहा, बोलो ये कैसा है? लंजा को पहले हेजिटेट फील हो रहा था, देन उसने एक बाइट लिया। विंग ने पूछा, ये अच्छा है ना? लंजा ने कहा, बहुत ही रिच है। विंग ने कहा, कुछ दिन बाद विंग ने लंजा को फिर से नाइट हंट के लिए इनवाइट किया। वो दोनों नाइट हंट के लिए गए। जब वो लोग ट्रेन पे थे
विंग सबके साथ बात कर रहा था एंड लंजा साइलेंटली बैठा हुआ था। कुछ मोमेंट्स को लंजा बहुत पसंद आया। विंग ने लंजा को कहा, हैंगवांग जून, तुम इतने शो ऑफ क्यों करते हो, स्पेशली इतने ब्यूटीफुल लेडी के सामने। वो वुमेन ब्लश कर उठी, बट लंजा ने इग्नोर किया। विंग ने कहा, देखना जब हम लोग लौटेंगे तब मैं भी ऐसा ही करूँगा। लंजा ने मन ही मन में कहा, चलो देखते हैं। दिन में तुमसे मिला। ये बोल के लंजन ने विंग की तरफ नहीं देखा, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन लंजन ने कहा, जब तुमने मुझे चैलेंज किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कल्टीवेशन इनफ नहीं है, मुझे और भी कुछ जानना है, सीखना है, इसलिए मैं संघाई आ गया। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, इसका मतलब इस सब के पीछे मैं हूँ? इसका मतलब मैं हैंगवांग जून के करप्शन के कल्प्रिट हूँ। सॉरी हैंगवांग जून, बहुत लेट हो गया है, अब तुम स्टक हो चुके हो। लंजा ने कहा, हाँ आई सरेंडर। ये सुन के विंग ने हंसा। देन कुछ टाइम बाद बोलो के रेस्टोरेंट में पहुँच गए। उस रेस्टोरेंट के ओनर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा, मेरा नाम वांग पेलिंग है। उनके साथ एक और औरत भी थी जिसका नाम है यांग जूली। वांग पेलिंग ने कहा, यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेटर्स नहीं आते हेल्प करने के लिए, आज हमारा लक खुल गया कि यहाँ पे 3 एक्सलेंट कल्टीवेटर्स आ गए। विंग ने कहा, 3? क्या कोई और भी आया है? मिस वांग ने कहा, वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आई थी, अभी वो रेस्ट कर रही है। विंग ने कहा, ओके कोई बात नहीं, एनीवे आंटी हमें यहाँ का प्रॉब्लम के बारे में बताए। देन आंटी ने सब कुछ बताया। आंटी ने यह भी कहा कि उन लोगों ने तालिस्मा से ट्राई किया था बट कोई काम नहीं बना। विंग ने कहा, शायद आप लोगों को जिन्होंने इस तालिस्मा को बेचा है उनको शायद कोई गलती हुई होगी, ये स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है। मिस वांग ने कहा, सीरियसली कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी किसी ने कहा, उनसे सवाल मत पूछो, वो लोग एक्सपर्ट्स है। ये सुन के विंग हंस उठा। उसने कहा, इट्स फाइन, एक्चुअली मैं ओरिजिनल तलिस्मा को जानता हूँ इसलिए मैं कह पाया। लंजन ने विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। विंग ने से स्माइल किया। उन लोगों ने कुछ टाइम और बातें की। देन मिस आर्ट ने कहा, थैंक यू हैंगवांग जून, येलिंग लोजू। ये सुन के विंग हंस उठा। लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, येलिंग लोजू? विंग ने कहा, अब चुप भी हो जाओ लंजा, वो लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। लंजा ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम फेमस हो। विंग ने कहा, तुम कितने कॉमेडियन हो लंजा, चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लंजा ने विंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हें कॉपी कर रहा है? विंग ने कहा, क्या पता, होगा कोई, जो भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लंजा ने कहा, बट हमें रिपोर्ट करना चाहिए। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है हैंगवांग जून, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लंजा ने कहा, येलिंग लोजू के रिपोर्टेशन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। विंग ने कहा, लंजा तुम मेरे लिए वॉरिड हो, मत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। येलिंग लोजू ने प्रॉमिस किया है कि वो हैंगवांग जून के रिपोर्टेशन के ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देगा। लंजा रुक गया एंड विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्सा क्यों हो? लंजा ने कुछ सेकंड के लिए विंग की तरफ देखा, देन वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने चिल्लाकर कहा, लंजा मेरे लिए रुको। आगे जाके लंजा रुक गया। विंग भी लंजा के पीछे पीछे आने लगा। उसने कहा, लंजा प्लीज़ एक सेकंड के लिए तो रुको। देन विंग ने देखा कि लंजा किसी की तरफ देख रहा है। विंग ने लंजा के गेस्ट को फॉलो किया। देन विंग ने कहा, हे तुम कोई घोस्त तो नहीं लग रहे हो? तभी वहाँ से लुओ चिंग यांग आई। उसने कहा, हाँ क्योंकि मैं घोस्त नहीं हूँ। तो उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लांगवांग जी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विंग ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लुओ चिंग यांग हो? लंजा ने विंग की तरफ एक वार्निंग ग्लेयर किया। लुओ चिंग यांग ने कहा, तुम शायद वुई वुशियन हो। विंग ने कहा, तुम मुझे जानते हो, वाओ। लुओ चिंग यांग ने कहा, लांगवांग जी ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, जो भी हो क्या तुम्हें कुछ मिला? विंग ने कहा, नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, हम सर्च कर रहे हैं। लंजा क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा दोस्त कोई घोस्ट नहीं है? मिस लुओ ने विंग की तरफ देखा।
और हंसा। लंज ने कहा, सर्च करते रहते हैं, शायद कुछ मिल जाएगा। जब वो लोग सर्च कर रहे थे, मिस वांग ने कहा, अगर हमें वो घुस मिल भी गया, क्या हम उससे कुछ पूछ भी पाएंगे? घुस तो बात नहीं कर सकते। तभी वीन ने कहा, क्या तुम लोगों को पता नहीं, हैंग वांग जून स्पीड्स के साथ बात कर सकते हैं कुछ इनकी मदद से। सब लोग तो बहुत शौक हो गए। दिन डिनर का टाइम हो गया, वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी मिस वांग ने पूछा, हैंग वांग जून, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। लंजन ने कहा, नहीं ठीक है, फूड बहुत ही अच्छा है। तभी मिस वांग ने पूछा, बट आपने मीट को टच तक नहीं किया। तभी विंग ने कहा, आंटी शायद आपको पता नहीं, लंजा वेजिटेरियन है, वो मीट नहीं खाता। डोंट वरी, मैं वो खा लूँगा। दिन उसने खा भी लिया और कहा, लंजा ये कितना अच्छा है, तुमने मिस कर दिया। मिस वांग ने कहा, हमें माफ़ कर देना हैंग वांग जून, हमें पता नहीं था। लंजा ने कहा, इट्स फाइन। दिन मिस वांग ने कहा, ठीक है अब हम ड्रिंक करते हैं, हमने ड्रिंक प्रिपेयर किया है। विंग ने कहा, ओ ड्रिंक अबाउट दैट। तभी मिस वांग ने कहा, अब मुझे ये मत बताना कि लांग वांग जी ड्रिंक भी नहीं करता। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना। मिस वांग ने कहा, सीरियसली? देन मिस लुओ ने कहा, मैं ड्रिंक करूँगी, और तुम उर्वशियन? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, इसे कोई ना कहता है भला। दिन सब लोग ड्रिंक कर रहे थे एंड हैंग वांग जून जूस पी रहा था। तभी विंग ने मिस लुओ को कहा, लुओ चिंग यांग, तुम बहुत ही फैमिलियर लग रहे हो, शायद हम पहले मिल चुके हैं। मिस लुओ ने कहा, ट्रस्ट मी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, अगर हम मिलते तो मुझे याद रहता। विंग ने कहा, बट मुझे लगता है, वेट, क्या तुम जीन सेट के डिसिपल्स हो? मिस लुओ ने कहा, हाँ मैं था एक टाइम पे। तुमने क्यों पूछा? विंग ने कहा, दैट्स इट, तुम मियाँ मियाँ हो, है ना? ये सुन के लंजा भी फ्रोन हो गया। वो अंदर अंदर सोचने लगा, मियाँ मियाँ? मिस लुओ ने कहा, तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता? और वैसे भी तुम्हें किसने परमिशन दिया है मुझसे ऐसे बात करने के लिए? विंग ने कहा, मुझे पता था तुम मियाँ मियाँ हो। मियाँ मियाँ ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे ऐसे मत बुलाओ। विंग ने कहा, मियाँ मियाँ क्या तुम मुझे भूल चुके हो? मियाँ मियाँ ने कहा, अगर तुमने मुझे फिर से मियाँ मियाँ कहा ना, मैं सच में तुम्हें मारूंगा। लंजा मिस लू की तरफ एक सरप्राइजिंग नज़र से देखने लगा। उसने उसे ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए पहले कभी भी नहीं देखा। वो उसे ऐसे फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो भी विंग के साथ। लंजा ने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हो? हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पाठ, और क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज का पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स या सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।